ऑफिस फिक्स्चर एंड नेटबुक वैल्यू दिया हुआ है आपको। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन है, एएस का, अक्टूबर नवंबर 15-23 का। उसमें सबसे पहले ऑफिस फिक्स्चर एंड नेटबुक वैल्यू दिया हुआ है 9500, ओपनिंग और क्लोजिंग 8600 है। तो वी कैन अज्यूम दैट देर इज गोइंग टू बी अ डेप्रिसिएशन ऑफ 900 फ्रॉम 9500 टू 8600, विच इज गोइंग टू बी रिटन अंडर द हेडिंग ऑफ एक्सपेंसिस। डिलीवरी व्हीकल कॉस्ट दी हुई है, एंडिंग कॉस्ट नहीं दी हुई, डेप्रिसिएशन दी हुई, एंडिंग नहीं दी हुई। ट्रेड पेबल्स ओपनिंग क्लोजिंग है, ट्रेड रिसीवेबल है, रेंट पेबल ओइंग है। अगर किसी भी एक्सपेंस या इनकम का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हो तो आपको उसका अकाउंट बनाना पड़ता है, यानी रेंट का अकाउंट आप बनाएंगे। कैश ओपनिंग क्लोजिंग है, इन्वेंट्री है, बैंक का क्लोजिंग नहीं दिया हुआ, फाइंड करेंगे। समरी ऑफ बैंक अकाउंट इज एज फॉलोज, रिसीट्स दिए हुए, रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, कैश सेल्स बैंक, सेल ऑफ डिलीवरी व्हीकल, पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर्स, वेजेस रेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस हैं। परचेज ऑफ डिलीवरी व्हीकल, जो हमने नया परचेज की डिलीवरी व्हीकल, द इन्वेंट्री ऑन 30 सितंबर 2015 वाज वैल्यूड एट सेलिंग प्राइस एंड अप्लाइज मार्कअप ऑफ 50%। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो सेलिंग प्राइस पर आपने रिकॉर्ड की हुई है और मार्कअप उसका 50% है, यानी कि ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में लिखी हुई है 40,800 की, ये इसके ऊपर 50% मार्कअप है, ये सेलिंग प्राइस पर रिकॉर्ड की हुई। ड्यूरिंग द ईयर व्हीकल विच एट कॉस्ट 9000 वाज सोल्ड फॉर 5400। डिलीवरी व्हीकल आर डेप्रिशिएटेड एट 20% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिशिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नॉट इन द ईयर ऑफ सेल। Anton took cash drawings of 600 per month before the cash sales were banked, but has not recorded these. He also took goods for his own use, which had a sales value of 2763. Total cash sales were 20476. There are unrecorded delivery vehicle expense not accounted for. The delivery vehicle expense unrecorded है, जो हमने account for अभी तक नहीं किया हुआ। उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? Cash account। आपने बनानी है income statement और balance sheet। Cash account कब बनाते हैं? आज तरह इसको भी देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन में कैश सेल्स में से कुछ एक्सपेंसेस पे किए हों, जैसे कि यहां लिखा है कि एंटन टुक कैश ड्राइंग्स ऑफ 600 पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई करके 7200 बनेंगी पूरे साल की, बिफोर द कैश सेल्स वर बैंक्ड बट हैज नॉट रिकॉर्डेड दीस। अगर कैश सेल्स में से कुछ एक्सपेंसेस या ड्राइंग्स आपने पे की हो और बाकी पैसे बैंक में जमा कराए हों, उसका मतलब है कि आपको कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा टोटल कैश सेल्स फाइंड करने के लिए। ऑलवेज रिमेंबर कि उस सूरत में बैंक होगी, उस सूरत में आपको कैश बैंक क्वेश्चन में दी होंगी, जो क्वेश्चन में लिखी हुई कैश सेल्स बैंक के नाम से क्वेश्चन में लिखी हुई है, वो भी आपको क्वेश्चन में दी होंगी। डबल क्लासे ले रहा है रामिस हुसैन अहमद मदनी ऊपर, डबल क्लासे ले रहा है। हाँ अभी 12:30 ली है, दोबारा फिर सॉरी 11:30 ली थी, फिर दोबारा ली है। चले अच्छा, तो सबसे पहले कैश सेल्स बैंक दिया हुआ, देखें ये दिया हुआ है। तो अगर आप कुछ एक्सपेंसेस कैश में पे कर रहे हो और कैश सेल्स बैंक भी क्वेश्चन में दिया हो, तो आपको सबसे पहले कैश अकाउंट बनाना पड़ता है टोटल कैश सेल्स फाइंड करने के लिए या मिसिंग फिगर फाइंड करने के लिए। इस पार्ट में कैश सेल्स नहीं फाइंड करनी है आपने, मिसिंग फिगर फाइंड करनी है, जो अनरिकॉर्डेड डिलीवरी एक्सपेंस है वो फाइंड करने हैं आपने। क्या बना के? कैश अकाउंट बना के अनरिकॉर्डेड डिलीवरी एक्सपेंस आपको फाइंड करने पड़ेंगे। देखते हैं, हम बनाते हैं कैश अकाउंट। सर क्वेश्चन में कैश अकाउंट बनाने का कहा होगा? कोई नहीं कहा, आपको खुद ये देखना है अगर क्वेश्चन में कुछ एक्सपेंसेस कैश की सूरत में पे किए हो बाकी पैसे बैंक में जमा कराए हो, उसका मतलब है आपको कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा कैश सेल्स फाइंड करने के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में तो कैश सेल्स भी दी नहीं है, इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? इस क्वेश्चन में डिलीवरी एक्सपेंस थे अनरिकॉर्डेड, वो फाइंड करने के लिए आपने कैश का अकाउंट बनाया है। सर आपको कैसे पता चला? मुझे नहीं पता चला, लिखा हुआ उसमें देर आर अनरिकॉर्डेड डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंस नॉट अकाउंटेड फॉर। तो ये तीनों चीजें एक ही चीज से रिलेट करती हैं, 4, 5 और 6। 5 कहती है कैश सेल्स 20476 की है, इसलिए निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम निकालते थे ड्राइंग समय पे की हमने 600 पर मंथ की, वो लिख लेंगे 7200। और ब्रॉड डाउन कैरी डाउन लिखकर बाकी जो अमाउंट आएगी डिफरेंस दोनों साइड्स का, वो डिलीवरी एक्सपेंस आपके आ जाएंगे। कैश का ब्रॉड डाउन कितना है? 980 और क्लोजिंग कितना है? 445। ब्रॉड डाउन कितना है जी? 980, क्लोजिंग कितना है जी? 445। ये हम अनरिकॉर्डेड डिलीवरी एक्सपेंस हम फाइंड कर लेंगे इसमें से आसानी के साथ, टोटल करके दोनों साइड का हम वहां से अनरिकॉर्डेड डिलीवरी एक्सपेंस जो है वो निकाल लेंगे इजीली। जो कि आते हैं कितने, एक चीज मैंने इसमें मिस की है,
वो है हमारी कैश बैंक। कैश बैंक बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगा और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आएगा। बेटा कैश बैंक की एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। देखिए बैंक डेबिट हो रहे हैं, देखिए बैंक डेबिट हो रहा है, बैंक की रिसीट साइड पे लिखा है ना 12,900, वो डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है 12,900। इसका हम कर लेंगे टोटल, इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है वो मिसिंग फिगर आ जाएगी, विच इज योर अनरिकॉर्डेड डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंस, वो कहते हैं 911। टोटल ऑफ द डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड यू विल गेट द अमाउंट ऑफ अनरिकॉर्डेड डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंस जो कि 911 बनती है। ये हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद हम अपने स्टेप्स को देखते हैं। जो स्टेप्स हम नॉर्मली बनाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जो नॉर्मल स्टेप्स हम रिकॉर्ड करते हैं उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हम निकालते हैं कैपिटल। पहला स्टेप हमारा होता है प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ ईयर टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल। हम क्या बनाते हैं, SLCA टू फाइंड क्रेडिट सेल्स। हम क्या बनाते हैं, ELCA टू फाइंड क्रेडिट परचेजेस। फिर कोई एक्सपेंस इनकम का अकाउंट अगर बनना है तो वो बनाएंगे। डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है आपने एसेट अकाउंट बना के, या तो बुक वैल्यू मेथड से या कॉस्ट मेथड इस सवाल में है तो वो यूज करेंगे। ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी से कैपिटल फाइंड करते हैं। ये हमें दिया हुआ है ऑफिस फिक्सर 9,500 ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। यहाँ से डाटा उठाएंगे, डाटा ओपनिंग उठाएंगे सारा का सारा, तो 9,500 प्लस 15,700 माइनस डेप्रिसिएशन है 4,600 की, उसका बेटा क्रेडिट बैलेंस होता है माइनस कर देंगे इसमें से। ट्रेड पेबल्स हैं और ये डेप्रिसिएशन लायबिलिटी है जी। बिल्कुल 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 12,670 की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज ए लायबिलिटी अकाउंट एंड इट इज कॉल्ड आल्सो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। ये दे यूज टू डिक्रीज योर एसेट्स, बट इफ दे विल नॉट बी रिटर्न एज डिक्रीज दे कैन बी रिटर्न एज ऑन लायबिलिटी साइड इन करंट लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी लायबिलिटी होती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी लायबिलिटी होती है। प्रोविजन इज ए लायबिलिटी फॉर अनसर्टेन टाइम एंड अमाउंट। स्टैंडर्ड कहता है कि प्रोविजन एक लायबिलिटी है अनसर्टेन टाइम और अमाउंट की। ये ऐसी लायबिलिटी है जिसको कब पे करना है ये भी नहीं पता, और कितनी अमाउंट की एग्जैक्टली पे होती है ये भी नहीं पता। एस्टिमेटेड फिगर्स होती है ना, फिगर्स भी ये सारी एस्टिमेटेड होती है। 12,670 माइनस किया मैंने ट्रेड पेबल, बट ट्रेड रिसीवेबल है 10,500 के, वो ऐड कर देंगे आप। आपकी बुक जो डेबिट हो है, अगर आप उसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का चैप्टर निकालें, पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर निकालें, पब्लिश्ड फाइनल अकाउंट्स का, तो उसमें IS-37 निकालें। IS-37 प्रोविजंस लायबिलिटीज, प्रोविजंस और रिजर्व्स के बारे में बात करता है, और उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डेबिशन के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये हमारी लायबिलिटी होती है। 1500 रेंट ओइंग है, वो भी लायबिलिटी है, माइनस कर देंगे रेंट ओइंग। कैश 980,24,640 आपका आ जाएगा। इन्वेंट्री और इसमें से माइनस कर देंगे हम जो बैंक का। पर इन्वेंटरी तो सेल प्राइस पे है, हम कॉस्ट पे नहीं निकालेंगे इसको? जी जी बिल्कुल निकालेंगे। इन्वेंटरी बेटा क्लोजिंग सेल प्राइस पे, ओपनिंग नहीं, उसने क्लोजिंग की बात की है, राइट। 2400 क्रेडिट है आपका, ये हम माइनस कर देंगे इसमें से। ये आपका ओपनिंग कैपिटल निकल आएगा। देखिए जरा क्या निकलता है आपका, ये आपका आ जाएगा जी 40,150, दैट इज योर ओपनिंग कैपिटल। ये हमने फाइंड कर लिया ओपनिंग कैपिटल। कैसे निकाला ओपनिंग कैपिटल मैंने क्या किया कि मैंने ओपनिंग एसेट्स में से जो डाटा में दिए हुए थे उसमें से ओपनिंग लायबिलिटीज मैंने सारी माइनस कर ली, तो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, निकल आया। अब मैंने क्या बनाना है जी, SLCA टू फाइंड क्रेडिट सेल्स। SLCA 3 आएंगे आप जब आपको ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिए हों, क्योंकि सवाल में दिए हुए जी बिल्कुल दिए हुए। ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग 10,500 के हैं, क्लोजिंग 9,670 की, बॉटम आपका आ जाएगा 500, क्रेडिट डाउन आपका आ जाएगा
9670, if I'm not wrong. Yes, that's fine. Receipt from customer to paise mile 153300 ke hain, jitne paise mein trade receivable se collect hue hain. इसके अलावा वेडेट्स आ सकते हैं, क्रेडिट साइड पर सेल्स रिटर्न आ सकती है, डिस्काउंट अलाउड आ सकता है, ये सब चीजें भी आ सकती हैं. क्वेश्चन में गलती होती तो मैं इसको लिखता, वैसे मैं दी नहीं हुई, मैं यहां से क्रेडिट सेल्स जो है वो फाइंड कर लूंगा. इसका करेंगे हम 152470 क्रेडिट सेल जी, 152470 टोटल भी जरा बता दें मुझे, टोटल कितना आ रहा है? 162970 तो आपके मुकाबले पे बंदा आ गया, टेंशन नहीं हो गई? ये तो आपको टफ टाइम देगा, फिर कंपटीशन बढ़ गया आपका जी. पीएलसी बनाना है अब आपने, किस लिए? क्रेडिट परचेजेस फाइंड करने के लिए. कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे ताकि हम क्या फाइंड कर सकें, क्रेडिट परचेजेस फाइंड कर लेते. यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लॉट डाउन, इधर आपका आ जाएगा कैरेट डाउन, इधर आपकी आ जाएगी पेमेंट टू ट्रेड पेबल, इधर आपकी आ जाएंगे क्रेडिट परचेजेस. बट डेबिट साइड पर और चीजें भी आ सकती हैं, जैसे कि रिटर्न आउटवर्ड, जैसे कि आपकी डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब भी आ सकता है. ट्रेड पेबल्स ओपनिंग 12670 के हैं और 13460 की क्लोजिंग है. 670 पर क्लोजिंग है 13460 की. पेमेंट देखते हैं कितनी दी है, की हमने पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर्स है 118900, इधर आ जाएगा आपका 118900. टोटल कर लेंगे इसका हम, and you will find credit purchases. Total कितना आता है जी? Sir, 119690. 690. नहीं, credit purchases. Total बता दें. One three two three six zero. सेल्स अगर आपको निकालनी हो बेटा तो क्या करेंगे हम, सिंपल सी बात है, जो क्रेडिट सेल्स आपकी निकली हैं 152470, उसमें जो कैश सेल्स हैं 20476 वो आप ऐड कर लेंगे, आपके पास टोटल सेल्स जो है वो आ जाएंगे 172946. टोटल परचेजेस हमारी जो है वो 1500 और 2400, उसका बैलेंस किस साइड पे आएगा बेटा? क्रेडिट साइड पर, लायबिलिटी है ना, अक्रूड ब्रॉट डाउन क्या था, सॉरी मैं भूल गया, 15 और 24 है 1500, और इधर आपका आएगा 2400. ये आपने याद रखना है कि प्रीपेड भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है. प्रीपेड होता तो वो इस साइड पे आता, यानी डेबिट साइड पे हम लिखते प्रीपेड, क्रेडिट साइड पे हम लिखते बाकी फिगर. कैश फिगर आपकी डेबिट पे आती है और डिफरेंस दैट इज योर इनकम स्टेटमेंट फिगर. तो कैश फिगर कितनी दी हुई है रेंट की, यहाँ से पता चलेगा रेंट कितना पे किया आपने, 8500 का. रेंट पेड कितना है? 8500, वो हम यहाँ लिख लेंगे 8500. डिफरेंस निकालने आपकी इनकम स्टेटमेंट फिगर आ जाएगी. जी कितना आता है जी इनकम से फिर, कितनी आ रही है? 9400 जी, 9400
9400 हमारे इनकम स्टेटमेंट से लेने के लिए। अब हमने क्या बनानी है जी, असल में इनकम स्टेटमेंट में सबसे जो मुश्किल पॉइंट है सवाल का वो है डेप्रिसिएशन का पॉइंट। डेप्रिसिएशन पर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब हम वहां तक पहुंचेंगे। अभी हम सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके आ जाएंगी सेल्स, टोटल सेल्स आपकी कितनी है, यानी आपने कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स को ऐड कर लें तो आ जाएगी 172946। मैंने कैसे निकाली है, मैंने निकाली है इसे तो मैंने ऐड किया है 152470 में प्लस कर दिया मैंने 20476। मेरे पास टोटल सेल्स आ गए, इसमें से लेस हम कर देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। देखते हैं जी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ रही है हमारी। सबसे पहले इसमें आपकी क्या आती है जी, ओपनिंग इन्वेंटरी। नेट में इशू आ गया था, देखते हैं जी आगे हम। ऐसन ऐसन असरार साहब आप जो हैं वो क्लास में आ गए, अच्छी बात है, लेकिन समझ आपको क्या आएगी, पिछले लेक्चर तो आपने मिस किए। नहीं मैंने भेजे तो हैं वैसे आपको, आपको नहीं भेजे नहीं, आगे चलते हैं। हम चल रहे थे ओपनिंग इन्वेंट्री, हम देख रहे थे कितनी है ओपनिंग इन्वेंट्री, हमें दी हुई है 24640 की, तो हम लिख लेंगे इधर 4640, उसमें ऐड कर लेंगे परचेजेस। परचेजेस हम निकाल चुके हैं कितनी है 119690 की, लेकिन यहाँ आ गया प्रॉब्लम। 119690 की जो परचेज है इसमें से गुड्स ड्राइंग भी हो रही है, वो आपको माइनस करनी पड़ेगी। सवाल में देखें, सवाल में ये लिखा हुआ है ही ऑल्सो टुक गुड्स फॉर हिज ओन यूज विच हैड ए सेलिंग वैल्यू ऑफ 2763। आपको पता है गुड्स ड्राइंग तो कॉस्ट प्राइस पे होती है हमेशा, सेल प्राइस पे तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप। 2763 में से आप पहले क्या करेंगे, इस पर मार्जिन अप्लाई करेंगे, तो मार्जिन अप्लाई मार्कअप 50% है ना, तो 2763 मल्टीप्लाई बाय 50/150 करना पड़ेगा आपको। तो इसके अंदर जो प्रॉफिट है वो आपका आएगा, जो आपको सब्ट्रैक्ट करना है 921 का, माइनस करेंगे तो ये कॉस्ट में आपकी आ जाएगी 2763 माइनस 921 1842। और ये 1842 आप माइनस कर देंगे इसमें से अपनी परचेजेस में से, गुड्स ड्राइंग हो गई ना, गुड्स ड्राइंग को परचेज में से हम माइनस कर देते हैं, यहाँ से 1842 माइनस हो जाएगा एंड देन यू कैन राइट द नेट अमाउंट ऑफ परचेजेस 117848। इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री का भी यही प्रॉब्लम है बेटा, क्या बना क्लोजिंग इन्वेंट्री भी सेल प्राइस पे दी गई। सर कैसे पता चला आपको, द इन्वेंट्री ऑन 30 सितंबर वर वैल्यूड एट सेलिंग प्राइस एंड अप्लाइड मार्कअप ऑफ 50%। इन्वेंट्री जो क्लोजिंग दी हुई आपको, जिसकी अमाउंट हमें क्वेश्चन में बताई हुई है 40,800, ये सेलिंग प्राइस पे दी हुई 40,800 का हम क्या करेंगे जी, बिल्कुल उसका निकालेंगे 50/150, क्योंकि मार्कअप अप्लाई नहीं होता उसके ऊपर, मार्जिन अप्लाई होता है। 40,800 × 50 डिवाइडेड बाय 150 3,600 आ जाएगा, वो माइनस कर देंगे 40,800 में से। हमने ये सब चीजें जो यहाँ लिखनी है वो तो कॉस्ट प्राइस पे लिखनी है, और भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं लिखा हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या है, जो भी चीज आप यहाँ लिखेंगे वो कॉस्ट प्राइस पे आएगी। ये आपका आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री 27,200 की, मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा, देन आई विल गेट माई अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसको माइनस करके मुझे जीपी ग्रॉस प्रॉफिट जो फाइंड करना है, ये आ जाएगा 115288 आता है, ये माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा 57658। That is my gross profit. इसमें से हम लेस कर देते हैं जी एक्सपेंसेस, इनकम होती तो मैं डेफिनेटली ऐड करता, क्वेश्चन में कोई इनकम दी नहीं हुई है तो एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। इसको जरा हम दिखा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है, मैंने वो 921 निकाला था। लेस एक्सपेंसेस करते हैं जी हम,
एक्सपेंसेस में सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं भाई, रेंट ही लिख लेते हैं, because rent is the most important and we have already prepared an account for that, and the amount of rent is 9400. So 9400 is going to be the rent expense. Then I am going to write the wages account. Let's write the wages. देखते हैं जी wages कितने की दी हुई हमें पीछे. Wages दी हुई 17800 की. सर as it is लिख लेंगे जी बिल्कुल. क्यों सर? क्योंकि इसकी opening closing मौजूद नहीं है, तो आपने इतनी wages pay की है, कोई prepaid accrued नहीं था. डायरेक्टली इसकी अमाउंट लिख देंगे एज इट इज. उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा जी आपका, इसकी अमाउंट लिख देते हैं. इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट हमारी कितनी आएगी हम देखते हैं. इलेक्ट्रिसिटी लिखी हुई 7540, जनरल एक्सपेंसेस हैं 4630 के, 7540 जनरल एक्सपेंसेस हैं. उसके बाद वो जो व्हीकल एक्सपेंस था वो आपने लिखना है. कौन से वाला? वो डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंस कौन से वाला? ये वाला बेटा जो कैश अकाउंट से निकाला था डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंस, वो भी तो लिखना है ना आपने. एक्सपेंसेस में आएगा. हाँ वो कैश एक्सपेंस है, वो एक अलग बात है, लेकिन एक्सपेंस तो है ना आपका. 911 का नहीं कर देना आपने गलती से. उसके बाद लॉस है आपका, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, वो कैसे निकलेगा वो भी हम निकालते हैं और फिर बाद में उसको हम लॉस ऑन सेल ऑफ व्हीकल हम निकाल रहे हैं. उसको देखते हैं कि कितना लॉस आ रहा है हमारा. व्हीकल जो कि आपके पास था 9000 कॉस्ट थी, बेचा आपने कितने का? 5400 का. उस पर हमने निकालना है कि लॉस हमें कितना हो रहा है. ये देखिए सेल ऑफ डिलीवरी व्हीकल यहाँ भी दिया हुआ है 5400. अगर ये ना बताया हो यहाँ पे तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं. अब डिलीवरी व्हीकल जो कॉस्ट कर रहा है वो हमें 1 अक्टूबर को कॉस्ट कर रहा है 22012 को कितने का? 9000 का. ठीक है जी. तो डिलीवरी व्हीकल 9000 कॉस्ट कर रहा है 1 अक्टूबर 2012 को. और हम किस साल का सवाल सॉल्व कर रहे हैं बेटा? साल के स्टार्ट से पता चलता है, एंड से पता चलता है. 30 सितंबर 2015 को हमारा साल खत्म हो रहा है. तो पहले तो 12 अक्टूबर से लेकर 13 तक इस्तेमाल होगा, फिर 13 से 14, और 14 से 15 में इस्तेमाल नहीं होगा. डिलीवरी व्हीकल पर 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन हो रही है हमारी. तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं. पहले 9000 पे निकालेंगे 20%, ये आपका आ जाएगा 1800. फिर 9000 में से माइनस करेंगे 1800, जो आएगा 7200. उस पर निकालेंगे 20%, डेप्रिसिएशन आ जाएगी. तो कितनी आती है चेक करनी पड़ेगी, आती है 1440. ठीक है जी. बस क्यों सर? इसलिए बेटा कि 12 अक्टूबर से लेके 13 तक, 30 सितंबर 2013 तक एक साल कंप्लीट हो गया, फिर 13 से लेके 14 सितंबर तक दो साल कंप्लीट हो गए, और 14 से 15 में आप उसको सेल कर रहे हैं तो वो डेप्रिसिएशन आपकी शामिल नहीं की जाएगी. तो टोटल डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड इज 3240, द कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 9000. टोटल डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड इज 3240, कॉस्ट 9000 है. माइनस कर देंगे, आपके पास इसकी आ जाएगी बुक वैल्यू. इस वक्त इसकी बुक वैल्यू जब बेच रहे थे, बेचने की डेट पर इसकी बुक वैल्यू कितनी थी? दैट इज 5760. बेचा आपने कितने का? 5400 का. तो आपको लॉस हो गया है, सारी बात है. कितने का? 360 का आपको लॉस हो गया, जो आपको एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो लॉस ऑन डिलीवरी व्हीकल यू विल रिकॉर्ड इट अंडर द हेडिंग ऑफ एक्सपेंसेस व्हिच इज 360 जी. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे दोबारा पूछिए, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ इससे अगले पॉइंट पर जो बहुत ही मुश्किल है. इसलिए यहां तक प्रॉब्लम है तो पूछ लें, ताकि फिर मैं जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस कर सकूँ डिटेल में. इसमें भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. यहाँ तक कोई भी इशू है तो आप बिना झिझक मुझसे पूछ सकते हैं. अब आ जाएगी डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल जो आपने निकाली. आपको ये बात याद होनी चाहिए, जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे बेटा, डेप्रिसिएशन चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया है तो मैंने आपको उस चैप्टर में 3 स्टेप बताए थे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के, 3 स्टेप्स. पहला स्टेप हमारा क्या होता है? कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द न्यूली परचेज्ड एसेट. सेकंड,
calculate depreciation on the assets sold. Third, calculate depreciation on the existing assets. पहला स्टेप आपका आएगा कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द न्यूली परचेज एसेट. नया एसेट जो आपने परचेज किया है वो आपने कितने का परचेज किया बेटा, 13,600 का. ये लिखा है पेमेंट किया ना 13,600 का. इस पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे 20% क्योंकि एनुअल बेसिस है. 20% डायरेक्ट आप निकाल लेंगे एनुअल बेसिस पर. एक बच्चे ने मुझसे यहाँ सवाल कर दिया, सर आप यहाँ पे वो एसेट अकाउंट क्यों नहीं बना रहे नेट बुक वैल्यू मेथड से. बट यहाँ नेट बुक वैल्यू मेथड अप्लाई होना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट और डेप्रिसिएशन अलग अलग दी हुई है. नेट बुक वैल्यू तब अप्लाई होता है जब कॉस्ट डेप्रिसिएशन नहीं दी होती और नेट बुक वैल्यू दी होती है क्वेश्चन में. देन यू विल यूज नेट बुक वैल्यू मेथड. हियर यू विल यूज कॉस्ट मेथड. सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अंडर कॉस्ट मेथड, फर्स्ट यू विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द न्यूली परचेज्ड एसेट व्हिच इज 13,600 × 20%. देन कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड, वो तो आनी नहीं है. फिर एग्जिस्टिंग एसेट्स पर डेप्रिसिएशन निकालनी. अब एग्जिस्टिंग एसेट्स आपके पास कितने पड़े हुए वो आपको देखना पड़ेगा. वो पड़े हुए आपके पास एग्जिस्टिंग एसेट्स कितने के, 15,700 के, और डेप्रिसिएशन कितनी पड़ी हुई 4,600 की. तो एग्जिस्टिंग एसेट्स आपके पास पड़े हुए 15,700 के, उसमें से बेटा हम क्या कर देंगे, वैसे बेचा उसकी कॉस्ट माइनस कर देंगे. 15,700 माइनस 9,000 वो बेच दिया ना आपने एसेट, आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी रिमेनिंग एसेट्स की कॉस्ट, इन पर आपने डेप्रिसिएशन निकालनी है क्योंकि जो बेचा है उसको तो निकालनी नहीं है. 6,700 टोटल डेप्रिसिएशन कितनी दी हुई बेटा, 4,600. इसमें से जो एसेट बेचा उसकी डेप्रिसिएशन टोटल माइनस कर देंगे, निकाल लिया आपने 3,240. तो बाकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी उन एसेट्स पर जिनको आप अभी भी यूज कर रहे हैं, 1,360 इज द रिमेनिंग डेप्रिसिएशन जो कि जिन एसेट्स की आएगी जो दोनों नेट वैल्यू निकाल के सबट्रैक्ट कर सकते हैं. जी बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं, यू आर राइट, इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये आ जाएगी आपकी, एंड इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 5,340. इस पे ले लेंगे हम 20% डेप्रिसिएशन, तो आपके पास इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 1,068. और 1,068 में आप फिर ऐड कर देंगे जो नए एसेट पर डेप्रिसिएशन आपने निकाली है 2,720. यू विल गेट योर टोटल डेप्रिसिएशन विच इज 3,788. और ये आपने लिखनी है अपने इनकम स्टेटमेंट में अंडर द हेडिंग ऑफ एक्सपेंसेस. एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया है, इसकी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवा के दिखाया है कि मैं क्वेश्चन ये सॉल्व करूंगा खुद, ताकि आपको ये पॉइंट समझ आ जाए. टोटल अब आपका आ जाएगा 45,329. इसका माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर निकलेगा 12,329. ये हमने सॉल्व कर लिया, इनकम स्टेटमेंट हमने बना ली. डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन को आप एक दफा दोबारा देख सकते हैं क्योंकि आप मुझे बैलेंस शीट बनानी है और इसको सॉल्व करना है. जी आगे चलते हैं जी, अब हम नेक्स्ट भी, अब हमने इसकी बनानी है बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के लिए एक हम पेंट शॉप मजीद खोल लेते हैं और बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करते हैं पूरी तरीके से. बेटा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के सवाल में अगर आपको बैलेंस शीट बनानी हो तो याद रखिएगा आपको क्लोजिंग डाटा जो है उसको टेकअप करना है. आप क्लोजिंग डाटा को आपने टेकअप करना है, उससे आपका सवाल जो है वो सॉल्व होगा ज्यादा आसानी के साथ. सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें नॉन करंट एसेट्स आपके आते हैं पहले. सबसे पहले आपका आ जाएगा जी नॉन करंट एसेट्स में, अगर आप देखें तो ऑफिस फिक्स्चर है, ऑफिस फिक्स्चर की
फिक्सचर की डेफिनेशन हमने नहीं लिखी यार, हमने गलती की। एक मिनट, आंसर तो मुझे याद था, हमने यहाँ पर फिक्सचर की डेफिनेशन नहीं लिखी, हम मिस कर दिए, तो डिफरेंस आ रहा था, वो लिखनी जरूरी है, वो लिख लें। एकदम मेरे जहन में आया डेफिनेशन और फिक्सचर है हमारी, मैंने उस पर रिकॉर्ड कर ली थी जहन में अपने, ये जो डिफरेंस निकाला था ना 9500 माइनस 8600 का कितना आता है 900 का, वो भी तो लिखना है आपने। यहाँ पे आपकी आ जाएगी, बाकी सही है। ओके, नेक्स्ट बैलेंस शीट में चलें। अब फिक्सचर जो क्लोजिंग दिया हुआ है डायरेक्टली आप वो लिख सकते हैं, सवाल से उठा के क्लोजिंग ऑफ से दिया हुआ 8600 का, आप डायरेक्टली वो लिख सकते हैं 8600 यहाँ पे। डिलीवरी व्हीकल आ जाएगा आपका, डिलीवरी व्हीकल अगर आप देखें सबसे मुश्किल पॉइंट है, तो डिलीवरी व्हीकल आपको चाहिए कि अब डिलीवरी व्हीकल की कॉस्ट जो है वो कितनी अवेलेबल है, यानी डिलीवरी व्हीकल अब कितना पड़ा हुआ आपके पास। देखें 15700 का पहले था, उसमें हमने नया खरीदा कितने का 13600 का नया परचेज किया, और उसमें से 9000 का हमने क्या कर दिया है माइनस कर दिया, तो आपके पास बाकी जो वैल्यू आती है वो आती है 20300 कॉस्ट। यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन, यहाँ पे लिखेंगे टोटल डेप्रिसिएशन जो है, यानी 4600 जो पहले दी हुई है वो आएगी, प्लस जो नई डेप्रिसिएशन है 3788 वो भी आएगी, और माइनस कर देंगे उसमें से जो एसेट बेचा उसकी डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी 3240, ये आएगी 5148, वो हम जब डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट आएगी 15152, इसकी वैल्यू आएगी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे मुश्किल पॉइंट यही है सवाल, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा गौर से सुन लें। देखें मैंने क्या किया, कॉस्ट का अकाउंट बनाया, असल में एसेट अकाउंट बनाया बेटा, कैसे बनाया 15700 प्लस 13600 जो नई खरीदी माइनस जो बेची 9000 माइनस कर दी, तो 20300 आ गया। डेप्रिसिएशन भी ऐसे किया, ब्रॉट डाउन डेप्रिसिएशन 4600 प्लस चार्ज फॉर द ईयर 3788 माइनस जो एसेट बेचा उसकी डेप्रिसिएशन 3240, तो डेप्रिसिएशन एट द एंड आ गई, कैरी डाउन ऑफ एसेट अकाउंट, कैरी डाउन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो उसकी बुक वैल्यू आ गई 15। जी दोबारा बोलो, ये 20300 क्या है, ये 20300 कॉस्ट एट द एंड है ना, 15700 में से आप ऐड करेंगे, 15700 में ऐड करेंगे आप, जी माइनस 9000, तो आपके पास कॉस्ट एट द एंड आएगी। यहाँ पे तो आपने प्रॉपर फॉर्मेट से लिखना होता है ना, कॉस्ट एट द एंड में से माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन एट द एंड, तो आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं इसका। नहीं समझ आई, पंद्रह हजार सात सौ हमारे पास पड़ी हुई थी पहले से कॉस्ट एसेट की, उसमें 13600 का एसेट हमने और परचेज किया वो ऐड कर लिया, उसमें से हमने जो एसेट बेचा है वो माइनस कर दिया, आपके पास कॉस्ट एट द एंड आती है। क्लोजिंग इन्वेंट्री 27200 की आपको पता है हमने यहां भी लिखी थी, यानी पिछले पार्ट में भी लिखी थी क्लोजिंग इन्वेंट्री 27200 की, वही हमने यहाँ यूज की है, ये वाली ट्रेड रिसीवेबल है वो लिख लेंगे, कहाँ से बैलेंस शीट और डाटा से उठाएंगे आप, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड कितने हैं 9670 के, वो लिख लेंगे 9670 के ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आपके पास आ जाएंगे, और आपके पास आ जाएगा कैश एट द एंड भी दिया है सवाल में, देखें कैश कितना दिया है 445 का, लिख लेंगे हम 445, ये हमारा टोटल आ जाएगा, और आपके पास टोटल एसेट्स का आंसर भी निकल आएगा, तो टोटल आपका ये आता है
37315, ग्रैंड टोटल आपका आता है 61067। बाकी नीचे कैपिटल लाइबिलिटी वाला पोर्शन आप खुद बनाएंगे, टोटल एसेट्स मैंने आपको निकाल के दिखा दिए। लाइबिलिटी वाले पोर्शन में कोई ऐसा मसला नहीं है, कैपिटल आएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी तो है नहीं, करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगे। ठीक है जी, ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। करंट लाइबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट है बेटा, आपने बैंक अकाउंट बनाना है, आज याद से याद रखिए, कैपिटल एड प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स करके, ड्राइंग में गुड्स ड्राइंग भी आएंगी। करंट लाइबिलिटी में क्या लिखेंगे आप, रेंट पेबल ओइंग है, ट्रेड पेबल्स हैं और बैंक ओवरड्राफ्ट निकलेगा कैसे।